नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं शिमला। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख के बाद चौथी बार निर्भया के दोषियों का नया डेथ वारंट जारी किया गया है। निर्भया केस को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर डेथ वारंट जारी किया है। दोषियों के हथकंडों के चलते पटियाला हाउस कोर्ट को चौथी बार डेथ वारंट जारी करना पड़ा है। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नए डेथ वारंट के अनुसार निर्भया के चारों दोषियों पवन, विनय, अक्षय और मुकेश को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी जानी है। बता दें कि इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को लेकर जो डेथ वारंट जारी किया था उसके मुताबिक दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दीप फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन दोषियों की चालों के चलते उन्हें इस तारीख को फांसी नहीं दी जा सकी। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने एक और डेथ वारंट जारी किया जिसके मुताबिक 1 फरवरी सुबह 6 बजे दोषी फांसी दी जानी थी, लेकिन आरोपी इतने शातिर थे कि इस फांसी की डेथ को भी वह फांसी पर लटकने से बच निकले। उधर पटियाला हाउस कोर्ट ने तीसरी बार फिर दोषियों को लेकर डेथ वारंट जारी किया जिसके मुताबिक 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन इस तारीख को भी दोषी फांसी पर लटकने से बच गया। अब दोषियों को चौथा डेथ वारंट जारी किया गया है जिसके मुताबिक उन्हें 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। उम्मीद है कि यह दोषियों की फांसी आखिरी तारीख होगी और उस दिन उन्हें फांसी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी के वसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर 2012 की रात 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा निर्भया के साथ चलती बस में बहुत ही बर्बर तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस जघन्य घटना के बाद पीड़िता को इलाज के लिए सरकार सिंगापुर ले गई थी जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, इनमें से एक नाबालिग भी शामिल था। इस मामले में नाबालिग को 3 साल तक सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था, जबकि एक आरोपी राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में 13 मार्च 2014 को 4 आरोपियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इन दोषियों को 3 मार्च को फांसी होनी थी, लेकिन दया याचिका लंबित होने को ध्यान में रखते हुए अदालत ने 2 मार्च को फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। हालांकि अब दोषियों के सभी कानूनी विकल्प अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, इसके बाद उन्हें फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ हो चुका है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। इसी तरह की देश और दुनिया के खास खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।